Hey there, Cancers, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your July month reading regarding your money, career and finances, and it will be general reading. It may resonate with you or may not. Well, please take those messages what resonates you and leave the rest. Okay, let's start your reading. Let's see what are the messages for you regarding your money, career and finances. Cancers. Okay, Nine of Swords, Page of Pentacles, Seven of Pentacles, Knight of Swords, and Nine of Cups. Underneath the deck, aapke paas hai. You are having Queen of Swords. Okay, let's start your reading. Cancers. Hey there, Cancers, welcome to my channel Dream Tarot. ये आपकी जुलाई की रीडिंग है रिगार्डिंग योर मनी एंड फाइनेंसेस, और ये एक जनरल मैसेज है. ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है. जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसको ही कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कार्ड शफल कर चुकी हूँ और आपके पास सामने स्प्रेड है. सो यहाँ पर आप जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपके वर्क प्लेस में, जिसके बाद आपने फैसला किया है कि आपको आपको जो है आप ये जॉब छोड़ रहे हैं, आप ये जगह छोड़ रहे हैं और अपनी सेविंग्स पर आप जो है वो अभी हैं. ये आपका फैसला है, ये आपने फैसला किया है कि अनएक्सपेक्टेडली आपने वो जॉब छोड़ी है, कुछ ऐसा हुआ है, वर्क प्लेस आपने छोड़ा है और आप जो है अपनी सेविंग्स पे इस वक्त जो है चल रहे हैं. और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वरी काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है. अब बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है कि जब ये सेविंग्स ख़त्म होंगी तब आप क्या करेंगे, या फिर अगर आप अनएक्सपेक्टेडली कोई जॉब छोड़ रहे हैं और आप अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होने के बारे में सोच रहे हैं. आप जो है ये सोच रहे हैं कि मैं किसी की जॉब नहीं करूँगा, मैं अपने बलबूते पर कुछ काम करूँगा, और आपने ये डिसीजन लिया है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं. ये आपको स्लीपलेस नाइट दे रही है, आपको दिन रात सोचना पड़ रहा है, आप दिन रात मेहनत करने कर रहे हैं, आप स्लीप्स जो है वो आपकी उसमें इफ़ेक्ट कर रही है. और ये आपको एक रिवॉर्ड भी दे रहा है, आपकी अनथक मेहनत आपको इन मंथ ऑफ जुलाई में ये एक रिवॉर्ड दे रही है कि आपको इसका फल मिलना शुरू हो गया है. जो आपने बहुत मेहनत की थी उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया है अब, और आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहे हैं, और ये सब कुछ एक प्लग झपकते में हो रहा है. इसके अलावा अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आप जो है अपनी सेविंग्स पर हैं और आप बहुत ज़्यादा वरी हैं और आप बहुत ज़्यादा वरी थे कि आप क्या करेंगे अगर जब ये सेविंग ख़त्म होगी, तो आपको एक नई जॉब ऑफ़र के हवाले से न्यूज़ मिल सकती है, या फिर एक नई जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है या फिर अपॉइंटमेंट कॉल आ सकती है. तो और ये आपकी विश ग्रांटेड होगी कि आपको आपकी वरीज ओवर हो जाएंगी. जो आप चाह रहे थे कि एक नई जॉब आपको मिल जाए, तो वो आपकी विश ग्रांटेड है. और हो सकता है इंटरव्यू कॉल भी हो और आप बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद आपको ये कॉल मिली हो. इसके अलावा हो सकता है कि आपको पास जॉब से ही ये कॉल आ सकती है. हो सकता है आपने किसी वजह से किसी आप लोगों ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सोच ली हों या कर की हों, जिसकी वजह से आपको अनएक्सपेक्टेडली ये आपके साथ हुआ हो कि आपको ये जॉब छोड़नी पड़ी हो. तो आपको दोबारा से रिकन्सिलिएशन की कॉल आ सकती है, लाइक दोबारा से ओल्ड वर्क प्लेस से आपको आ सकती है कॉल, और आप एक डिसीजन लेंगे और आपकी वरीज़ ओवर हो सकती हैं. आप दोबारा से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप नहीं चाहते थे अगर ये जॉब छोड़ना, तो आप दोबारा से आपकी विश पूरी हो रही है कि आपको दोबारा से वहाँ से कॉल आ रही है, और ये एक नई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है इसके अलावा. या फिर अगर आप बिल्कुल ही सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, अपने नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप अंतक मेहनत के बाद जो है अब आप उसका रिवॉर्ड देख रहे हैं जो कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है. और आपकी एडवाइस यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी पास जॉब को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल लैक से बाहर निकाल सकती है, और आपको पास्ट वर्क प्लेस से या पास्ट क्लाइंट आपको दोबारा मिल सकते हैं.
और ये आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे आपकी सोल भी कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। अगर आप बहुत ज़्यादा इस जॉब को पसंद करते थे तो वो वहाँ वो भी इसमें इन्वॉल्व, आप इमोशनली भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मुझे नज़र आ रहा है। आपका लॉस ओवरकम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉस होगा और कुछ गेन होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको गेन हो सकता है आपने पास पोजीशन आप लॉस कर दें और लेकिन आपकी सैलरी अच्छी हो, और इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। तो आप इसको एक्सेप्ट करें, ये आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है। कैंसर्स, कैंसर्स, ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग रिगार्डिंग योर मनी केयर एंड फाइनेंसेस। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।